नमस्कार साथियों, परीक्षा एन परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज आपको पता होगा बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ अवसर का दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज हमारे लिए क्या है, हमारा गणतंत्र दिवस है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम और हमारी टीम की तरफ से आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे निरंतर प्रगति करते रहे और हमारा देश, हमारा तिरंगा हमेशा क्या करे, सफलता की कदम चूमता रहे, हमेशा क्या रहे, एकदम ऊंचाई पे चलता रहे, झूमता रहे। साथियों, इसी क्रम में हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा मोटिवेशनल ऊर्जा थॉट क्या है, उसको देखते हैं। शुरुआत करते हैं साथियों, नए देखेंगे जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर कैसे कैसे उसमें प्रश्न आए हुए, हम उसको देखते हैं। तो कहते हैं साथियों, कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पे मरता है, कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पे मरता है, कोई नफरत कोई मोहब्बत कोई लगाव पे मरता है। कोई हस्ती क्या होता साथियों, कोई मस्ती कोई चाह पे मरता है, कोई नफरत कोई मोहब्बत कोई लगाव पे मरता है। यह देश है उन दीवानों का, यह देश है उन दीवानों का, यहाँ हर बंदा क्या करता है साथियों, अपने हिंदुस्तान पे मरता है। तो आप भी एकदम लगे हुए साथियों, मेहनत करते रहिए, ठीक है, और देखते रहिए कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते, देखेंगे आज हमारे कैसे प्रश्न बने हुए हैं। तो चलिए इसी क्रम में शुरुआत करते, देखते हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, क्या दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ साथियों आम अर्थ में, आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का क्या अभिप्राय है, आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का क्या अभिप्राय होता साथियों। ऑप्शन ए दिया है शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, बी दिया है शिक्षण के प्रति समर्पण, सी दिया है शिक्षा देने की क्षमता रखना, और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो आम अर्थ में अगर हम शिक्षण की अभिक्षमता की बात करें साथियों, ये क्या होता है, शिक्षण देने की तीव्र इच्छा भी इसमें क्या होती है, शामिल होती है। शिक्षण के प्रति हमारा जो समर्पण होता है, हमारी मेहनत हमारा लगाव, ये भी शामिल होता है, और शिक्षा देने की जो क्षमता रखने वाला होता है इसमें, वो भी हमारा शिक्षक भी क्या होता है, इसमें शामिल होता है। तो इसमें क्या होगा साथियों, चारों ऑप्शन जो हमारे दिए गए हैं वो क्या होंगे, शिक्षण अभिक्षमता के बारे में क्या हुए, सत्य कहे गए हैं। तो हमारा डी ऑप्शन क्या दिया है, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा क्या है साथियों, उपयुक्त सभी, यही क्या होगा इसमें सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री माना जाता है, निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री साथियों माना जाता है। ऑप्शन ए दिया है स्लाइड प्रोजेक्टर, बी दिया है ब्लैक बोर्ड, सी दिया है ओवरहेड प्रोजेक्टर, और आपका डी क्या दिया है, एपीडिया स्कोप, या फिर इसी को क्या कहते हैं, परिचित्रीव कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, परिचित्रीव कहते हैं। तो निम्नलिखित में से साथियों हमारा क्या पूछा है, कौन सा एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री माना जाता है, सहायता सामग्री माना जाता है साथियों, इसमें क्या पूछा है, ऑप्शन क्या दिया हमारा, स्लाइड प्रोजेक्टर, बी दिया है ब्लैक बोर्ड, सी दिया है ओवरहेड प्रोजेक्टर, और डी दिया है क्या, एपीडा स्कोप दिया है, सॉरी एपीडा स्कोप दिया है। तो साथियों इसमें से सहायता सामग्री हमारी कौन सी मानी जाती है, इसमें से क्या हमको सहायता प्रदान करता है, क्या कौन सी चीजें हैं जो इसमें सहायता प्रदान, क्या वह ब्लैक बोर्ड करता है, क्या स्लाइड प्रोजेक्टर करता है, क्या ओवरहेड प्रोजेक्टर करता है, कैपिडा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, जो बी ऑप्शन दिया ही क्या होगा इसमें सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, दिया साथियों छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है रचनात्मक विकासशील मूल्यांकन, बी दिया है सतत मूल्यांकन, सी दिया है कोर्स के अंत में मूल्यांकन, और डी दिया है क्या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन साथियों सही माना जाता है, हम क्या करेंगे उसको देखेंगे कौन सा कथन हमारा सही माना गया है। पहला दिया है रचनात्मक विकासशील मूल्यांकन, दूसरा दिया है सतत मूल्यांकन, सी दिया है कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या प्रत्येक छमाही। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है साथियों, ये क्या होता है, सही मूल्यांकन हमारा माना जाता है। इसमें बच्चों क्या होता है, गुणों दोषों आदि चीजों को जानकर उनका क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो हमारा इसमें क्या होगा, रचनात्मक मूल्यांकन जो ऑप्शन ए दिया हमारा, यही क्या होगा इसमें सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है साथियों, पूछा हमारा प्रश्न दिया हुआ है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, क्या आपका माहौल या परिवेश होता है, क्या शिक्षक होता है, क्या माता पिता होता है, क्या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है बच्चे का पहला शिक्षक, क्या होता है इसमें से, परिवेश होता है कि शिक्षक होता है, माता पिता। तो बच्चे का परिवार पहला स्कूल या शिक्षक कहें तो हमारे क्या होते हैं, माता पिता होते हैं, पहला स्कूल क्या होता है हमारा, परिवार हमारा घर होता है साथियों। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया है, ये क्या होगा इसमें सही होगा, माता पिता, बच्चे के पहले शिक्षक इसमें क्या होते हैं, माता पिता ही होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या करता है। ऑप्शन ए दिया है एक आदर्श जीवन जीता हो, बी दिया है निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो,
सी दी है प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में क्या हो, कोई भी चीज सक्षम हो, और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो साथियों क्या होता है, एक शिक्षक के सम्मान के बारे में क्या होता है, ये सब बातें जो हमारी कही गई सभी बातें सत्य हैं, क्योंकि वह क्या हो तो आदर्श जीवन जीता हो, बाल बिल्कुल सही है आपके, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता, अपनी जो कर्तव्य उसको निभाता, ये भी बात सही है। प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में क्या हो, सक्षम हो, बच्चे क्या है उसके प्रति अगर कोई भी चीज़ वो समझा रहा है पढ़ा रहा है तो वो क्या हो, एक प्रभावकारी अधिगम हो, तो ये भी बात है आपकी। तीसरा जो कही बात है ये भी सही है। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या दिया साथियों, चौथा ऑप्शन हमारा ये डी ऑप्शन जो दिया उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी जो हमारा ऑप्शन यही क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षणिक दौरे के दौरान अपने बच्चे से आपकी क्या अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक दौरे के दौरान अपने बच्चे से क्या अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए साथियों, ऑप्शन ए दिया है बच्चे को दौरे का आनंद लेना चाहिए, बी दिया है बच्चे को अवलोकन करके प्रश्न पूछने चाहिए, सी दिया है बच्चे को कोई भी प्रश्न पूछना चाहिए, डी दिया है बच्चे को अवलोकन करके अपनी डायरी में प्रश्न लिखना चाहिए। एक शिक्षिका क्या करती है, बच्चों को शैक्षणिक दौरे पर ले जाती है, तो वो क्या सोचती है, बच्चे से क्या अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, बच्चे से क्या अपेक्षाएं आपकी नहीं रखनी चाहिए। तो बच्चों को अवलोकन करके प्रश्न पूछना बहुत अच्छी बात, अगर हम कहीं ले जा रहे हैं बच्चों को घुमाने टहलाने तो उसमें क्या होता है, वो क्या चीज़ है, अवलोकन करेगा वहाँ पूरे अपने चारों मतलब चारों तरफ से उसका क्या करेगा, अवलोकन करेगा, अवलोकन करके उस प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को कोई भी प्रश्न पूछना चाहिए ये भी बात है, अगर वहाँ पर वो चीज़ जो चीज़ देख रहा है उसके बारे में क्या कर सकता है, अपने शिक्षक से उसके बारे में प्रश्न पूछता है, ये भी बात सही है। फिर बच्चों को अवलोकन करके अपनी डायरी में प्रश्न लिखना चाहिए, ये भी बात है आपकी क्या सही है, बल्कि वहाँ बच्चे के दौरों का आनंद लेना चाहिए, ऐसी बातें क्या होती है नहीं होनी चाहिए साथियों, यही हम अपेक्षाएं नहीं रख सकते। अगर कोई भी चीज़ वहाँ पर हम गए हैं तो कहीं पर्यटन स्थान पर अपने, तो वहाँ पर क्या सीखेंगे, जो चीज़ें रहेंगे हमारे समाज हमारे वातावरण में उसी का तो हम अवलोकन करेंगे, अवलोकन करके सीखेंगे। तो उसमें बच्चा क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा भाई, उसके बारे में जानेगा, अवलोकन करेगा, आदि चीज़ें करेगा, और पूछा नहीं तो हमारा ए ऑप्शन यही क्या है, बच्चों को दौरे का आनंद लेना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है। आपकी राय में क्या होता है साथियों, आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है। तो ऑप्शन ए दिया हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग, बी दिया है पाठ को सबसे रोचक बनाना, सी दिया है छात्रों का सहयोग लेना, और डी दिया है छात्रों के माता पिता से नियमित रूप से मिलना। तो आपकी राय में अगर छात्रों को प्रेरित करना होगा, प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या होंगे, क्या श्रव्य दृश्य सामग्री सहायता करेगी छात्रों को प्रेरित करने के लिए, क्या पाठ को सबसे रोचक बनाना होगा, कि छात्रों का सहयोग लेना होगा, कि छात्रों को माता पिता से नियमित मिलना होगा। तो आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने माता पिता से मिलना ये बातें नहीं होती, पाठ को सबसे रोचक बनाना क्या ये होता है, ये भी नहीं होगा साथियों। बचा हमारा दो ऑप्शन, तो दृश्य श्रव्य सामग्री अगर हम क्या करेंगे, छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम स्थान क्या, हम छात्रों का सहयोग लेंगे, तब उसमें रहेगा, कि दृश्य श्रव्य सामग्री का अगर हम सहायता का प्रयोग करेंगे तब उसमें सही रहेगा। तो साथियों इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है, तो उसमें हम क्या करेंगे, छात्रों का सहयोग लेंगे, हमारा क्या ऑप्शन सही होगा, हमारा जो सी ऑप्शन होगा यही क्या होगा, इसमें सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है, क्या नहीं है पूछा साथियों, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अर्थ अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है, क्या विविध मान्यता है, क्या विश्वसनीयता है, क्या द्विअर्थता है, या वस्तुनिष्ठता है। तो एक अच्छी में क्या होता है साथियों, इसमें एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या होता है साथियों, इसमें हमारी क्या होती है, विविध मान्यता आसानी से इसमें क्या होती है, प्राप्त होती है, विविध मान्यता भी शामिल होती है, कोई भी पाठ्यक्रम क्या विश्वसनीय होता है, और क्या होता है वस्तुनिष्ठा होती है, बट ये द्विअर्थता नहीं होता शामिल इसमें, क्या होता है उपलब्धि जांच परीक्षण में क्या होता है द्विअर्थता, अर्थात दो अर्थ इसके मतलब इस ये चीज क्या होती है द्विअर्थता, ये चीज शामिल नहीं पूछा है। तो साथियों हमारा सी ऑप्शन जो दिया है क्या होगा, सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य क्या है, समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य क्या है साथियों, दिया है सामाजिक स्थिरता बनाए रखना, बी दिया है बच्चों में व्यवसायिक सक्षमता का एक पर्याप्त स्तर विकसित करना, सी दिया है बच्चे के जीवन के लिए तैयार करना, और डी दिया है बच्चे को अपने परिवेश को समझने में मदद देना।
तो साथियों क्या होता है इसमें देख लेते हैं कि समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य क्या होता है। समाज जो हमारा होता है उसका एक एजेंट के रूप में स्कूल में प्राथमिक कार्य क्या होता है, क्या वो सामाजिक स्थिरता बनाए रखना, बच्चों में व्यावसायिक क्षमता का विकास करना। अगर हम स्कूल में समाज का जुड़ा है एक एजेंट के रूप में कार्य करेंगे तो व्यवसाय से कोई मतलब नहीं होगा साथियों, जीवन के लिए तैयार नहीं बन पर समझने में मदद ये कुछ हद तक सही, लेकिन अगर क्या रहेगा, अगर हम सामाजिक एजेंट की बात करें उसमें सामाजिक स्थिरता बनाए रखना, समाज के जो मानवीय मूल्य निर्धारित किए हैं, सामाजिक निर्धारित जो हमारी चीजें बनी हुई है उसको क्या होता है, सामाजिक स्थिरता को बनाए रखना। हमारा जो ए ऑप्शन दिया है वही क्या होगा, सही होगा, सबसे सटीक उत्तर हमारा सही होगा। बच्चे को अपने परिवेश को समझने में मदद देना ये तो उसके अंतर्गत आएगा ही अगर हम सामाजिक स्थिरता बनाए रहेंगे तो। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है साथियों? ऑप्शन ए दिया है उसे विषय विशेषज्ञ का ज्ञान होना चाहिए, बी दिया है उसे एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, सी दिया है उसे अनिवार्य रूप से अच्छे पहनावे वाला व्यक्ति होना चाहिए, और डी दिया है उसमें भरपूर धैर्य संयम होना चाहिए। तो साथियों इसमें क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अच्छे शिक्षक का सबसे अनिवार्य माना जाता है? तो इसमें क्या होता है, उसमें भरपूर धैर्य अर्थात संयम होना चाहिए। यही बातें हमारी जो डी ऑप्शन दिया यही क्या होगा, सबसे सटीक उत्तर हमारा क्या होगा, उसमें भरपूर धैर्य और संयम होना चाहिए, बाकी उससे विशेष ज्ञान ये सब बातें होनी चाहिए, लेकिन सबसे सटीक उत्तर हमारा क्या होगा, उसमें भरपूर धैर्य। धैर्य करने का अर्थ है साथियों यहाँ पर उसमें संयम होना चाहिए, किसी बच्चे के प्रति अपने विषय वस्तु के प्रति उसमें क्या होना चाहिए, एक धैर्य होना चाहिए। तुम्हारा डी ऑप्शन जो होगा वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानते हैं साथियों? ऑप्शन ए दिया है समस्याएं हल करना, बी दिया है विशिष्ट हुनर का विकास करना, सी दिया है आचरण संबंधित प्रवृत्ति में सुधार, और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से हमारा क्या प्रश्न पूछा है साथियों, दिया है साथियों निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की उचित परिभाषा, अधिगम कहने का तात्पर्य क्या होता है साथियों, कोई भी चीजें सीखना सीखना। तो साथियों इसमें क्या होता है, विशिष्ट हुनर का विकास की बात नहीं है, आचरण संबंधी प्रवृत्ति में सुधार भी नहीं, उपयुक्त में कोई बात नहीं, बल्कि क्या होता है, हम किसी भी समस्या को हल करना कैसे करते हैं ये क्या होते हैं हमारे अधिगम में शामिल होते हैं, कि किसी भी समस्या को हल कैसे किया जाता है ये क्या होता है हमारे अधिगम में शामिल होता है। हमारा ए ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा, इसमें सही होगा, समस्याओं को हल करना। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के किया का विकास करना, डैश डैश दिया है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किस चीज का विकास करना, क्या ज्ञान का विकास करना, क्या शरीर का विकास करना, व्यक्तित्व का, बुद्धिमत्ता का। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों, इसमें क्या होता है आपका, क्या होता है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान का विकास करना, किसका विकास करना, ज्ञान का विकास करना। इसमें मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, हमारा ज्ञान शामिल होता है, इसमें क्या होता है शरीर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता ये सब नहीं शामिल होंगे, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों में क्या होता है ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान का विकास करना। हमारा जो ए ऑप्शन दिया यही क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? ऑप्शन ए दिया अवलोकन करके, ऑप्शन बी दिया है सुनकर, ऑप्शन सी दिया है पढ़कर, ऑप्शन डी दिया है खुद करके। ठीक है, ऑप्शन डी का हमारा दिया है खुद करके। तो इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है, प्रभावकारी तरीके से अगर कोई हुनर सीखता है तो क्या करेगा, अगर बच्चा कोई भी क्रियाकलाप अगर स्वयं से खुद से अगर करके सीखेगा तो क्या होगा, सीखना उसके लिए क्या होगा, प्रभावकारी होगा। तो साथियों अवलोकन करके बात हद तक सही है, सुनकर भी सही है, पढ़कर, लेकिन अगर बच्चा कोई भी क्रियाकलाप खुद से अगर करेगा, स्वयं से करके कोई कार्य करेगा तो क्या होगा, सीखना उसके लिए क्या होगा, अस्थाई रहेगा, वो उस चीज को जल्दी नहीं और क्या करेगा, भूलेगा भी नहीं, और उसमें क्या होगी, अस्थायीपन आ जाएगा, वो जल्दी जल्दी उस चीज को समझ भी जाएगा। हमारा डी ऑप्शन दिया यही क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है, विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की क्या है साथियों, संभावना क्या है? ऑप्शन ए दिया है जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, बी दिया है जिनकी सीखने संबंधी विशेष आवश्यकता होती है, सी दिया है जो शारीरिक रूप से अक्षम हो, और डी दिया है क्या उपयुक्त सभी। तो क्या होता है साथियों, विकासशील देशों के लिए हमारे जो आईसीटी की बात इन्होंने कहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
आईसीटी की बात करता है, उसमें कहा है साथियों, वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना क्या होती है जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिनके सीखने संबंधी विशेष आवश्यकताएं होती है, ये भी सही बात है, और जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं वो भी क्या होते हैं, सही बात है। इसमें क्या करते हैं हम कंप्यूटर के माध्यम से इसमें शिक्षा को प्राप्त करते हैं, हमारा डी ऑप्शन जो होगा यही क्या होगा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया है, भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के गुणवत्ता पूर्वक डिजिटल विषय वस्तु सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल में शामिल क्या है, भारत सरकार द्वारा की गई पहल में शामिल क्या है साथियों। ऑप्शन ये दिया है भारत सरकार का साक्षात पोर्टल, इसके बाद दिया है प्रौद्योगिकी के बल पर बेहतर सीखने में संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, सी दिया है सीखने और ऑनलाइन शिक्षण के मल्टी मीडिया और शैक्षणिक साधन, और डी दिया है क्या उपयुक्त सभी। तो साक्षात पोर्टल हमारी इसकी शुरुआत कब हुई, 30 अक्टूबर 2006 को, इसकी शुरुआत कब होती है 30 अक्टूबर 2006 को क्या होती है साक्षात पोर्टल की क्या होती है साथियों शुरुआत होती है। तो भारत सरकार द्वारा साक्षात पोर्टल, यह भी आपकी बात सही है, प्रौद्योगिकी के बेहतर बल बनाने के लिए सीखने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, सीखने के और ऑनलाइन शिक्षण के मल्टीमीडिया और शैक्षणिक उपयोग प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो दिया है उपयुक्त सभी, यही क्या होगा हमारा इसमें सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के शिक्षकों को मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने के अवसर प्रदान करती है, स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के शिक्षकों को मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलन का रूपांतरण क्या होती है रूपांतरण करने के लिए अवसर प्रदान क्या कैसे अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन ए दिया है बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, बी दिया है अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियां, सी दिया है अधिगम अंतःक्रिया और शैक्षणिक सामग्री, और डी दिया है क्या उपयुक्त सभी। तो स्कूल में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलन का रूपांतरण करने का अवसर क्या प्रदान करती है साथियों, इसमें हमारा ऑप्शन बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु इसमें शामिल होती है, अधिक प्रभावी शिक्षण अधिगम भी क्या होता है इसमें शामिल विधियां होती हैं, फिर दिया है अधिक अंतःक्रिया शैक्षणिक सामग्री भी इसमें शामिल होती है। तुम्हारा तीनों सही होगा साथियों, तुम्हारा चौथा ऑप्शन बचा है डी ऑप्शन बचा है, ये क्या होगा हमारा सही होगा। तो इसमें कौन सा शामिल सही होगा साथियों उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न चलते हैं देखते हैं, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना वर्ष में शुरू की गई, मतलब पूछा साथियों भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए स्कूलों में आईसीटी जो हमारी योजना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत कब की जाती है। ऑप्शन दिया साथियों, ए दिया है 2001, बी दिया है 2003, सी दिया है 2004 और डी दिया है 2006। तो इसकी शुरुआत कब होती है दिसंबर 2004 में, आईसीटी की शुरुआत कब होती है दिसंबर 2004 में, इसको हम लिख लेते हैं आईसीटी की शुरुआत दिसंबर 2004 में क्या होती है इसकी शुरुआत होती है। और इसमें संशोधन कब किया गया है, इसमें फिर बाद में क्या होता है संशोधन करके 2010 में इसका क्या होता है संशोधन किया जाता है 2010 में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा सी ऑप्शन 2004 दिया है, तो साथियों यही क्या होगा हमारा सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान, इससे पूछा है सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। इसमें पूछा है साथियों 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को एक शैक्षणिक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो हमारी देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान जिसे हम शॉर्ट में एसएससी कहते हैं उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए दिया है 1996, बी दिया है 1998, सी दिया है 2001 और डी दिया है 2003। तो जो हमारी सर्व शिक्षा अभियान शुरुआत कब होती साथियों, ये होती है 2001 जो होता है साथी इसमें क्या होती है हमारे सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा जो सी ऑप्शन दिया है सर 2001 यही क्या होगा इसमें सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था, कब निकाला गया था साथियों। इसमें क्या स्त्री गुणवत्ता किसके बारे में बात किया, शिक्षकों के बारे में, शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
द्वारा अर्थात किसकी बात करता है, यह एनसीटीई की बात करता है। किसकी बात करता है साथियों, एनसीटीई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसकी शुरुआत कब होती साथियों, ये पूछा है, दिया है 1990, 1992, 1996 और 1998। तो साथियों इसकी शुरुआत कब होती है, तो क्या 1990 में होती है, क्या 1992 में होती है, क्या 1996 की 1998। तो साथियों इसकी शुरुआत कब होती है, तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की शुरुआत कब होती है साथियों, क्या 90 में होती है, क्या 92 में होती है, क्या 96 में होती है, क्या 98 में होती है। तो इसकी शुरुआत हमारी कब होती है, 1996। वैसे 1996 में क्या होती है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की शुरुआत होती है, एनसीटीई हमारी शुरुआत 1996 में होती है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू किया, 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में। तो ये कब लागू हुआ था आपका, 2009 में ये लागू हुआ, भारत सरकार ने मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा राइट टू एजुकेशन, जो हमारी आरटीई 2009 था, आरटीई एक्ट 2009, इसके तहत क्या होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा क्या हुई, लागू हुई थी। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन जो दिया है क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह, एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह छात्रों को विषय की जानकारी देता है, देती हो, बी दिया है विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता हो, सी दिया है छात्रों को परीक्षा पास कराने के लिए तैयार करता है, करती हो, या छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता है, करती है। तो इसमें क्या स्वास्थ्य की बात नहीं, परीक्षा पास के, बल्कि क्या होता है, छात्रों को विषय वस्तु की जानकारी देता है, या विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से क्या होता है, प्रस्तुत करता है। तो ये भी नहीं होगा साथियों, बल्कि क्या करता है वो, किसी भी विषय वस्तु को, अपने विषय वस्तु को क्या करता है, सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता हो या करती हो। हमारा जो बी ऑप्शन होगा यही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये नजरिए का अर्थ क्या है, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये अर्थात नजरिए का अर्थ क्या होता है, दिया है गतिविधियों के माध्यम से सीखना, बी दिया है सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण, सी दिया है शिक्षक अनिवार्य ऊर्जावान और अति सक्रिय हो, और डी दिया है विषय अति सक्रिय होनी चाहिए न कि स्थिर और शांत। तो शिक्षण के प्रति क्या पूछा है साथियों, अति सक्रिय रवैये अर्थात नजरिए का अर्थ क्या होता है, इसमें नकारात्मक पूछा आपका। तो साथियों क्या होगा, गतिविधियों के माध्यम सीखना सही है, ऊर्जावान अति सक्रिय इसमें भी सही है, ये भी सही, बल्कि ये हमारा जो पूछा है इसमें क्या एक रवैया हो सकता है, मतलब नजरिए के क्या होता है प्रति सशक्त, इसमें सक्रिय अति सक्रिय रवैया पूछा है, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी दिया है सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर क्या होता है, निर्भर करता है साथियों। ऑप्शन हमारा देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया आपका विद्यालय की संरचना, बी दिया है शिक्षक को विषय की समझ, सी दिया है शिक्षक की योग्यता, या डी दिया है शिक्षक की लिखावट। तो इसमें क्या होता है साथियों, विद्यालय की संरचना की इसमें कोई बात, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रभावकारी शिक्षण की बात की है, योग्यता की नहीं की, बल्कि इसमें शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए, अपने विषय वस्तु के प्रति क्या होती है, जो उसकी समझ और लगन होती है वो होनी चाहिए। तुम्हारा जो बी ऑप्शन होगा यही क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षण का साथियों मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है छात्रों को परीक्षा पास कराने के लिए तैयार करना, बी दिया है अच्छे नोट बोलकर लिखवाना, सी दिया है विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना, और डी दिया है छात्रों को सोचने की शक्ति विकसित करना। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, छात्रों को परीक्षा पास कराना नहीं साथियों, अच्छे नोट बोलकर विषय से संबंधित अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराना ये भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा साथियों, डी ऑप्शन जो हमारा दिया है छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि अपने छात्रों में क्या होती है तर्क सोच समझा जो क्षमताएं होती हैं उसको क्या करना है विकसित करना है। तुम्हारा डी ऑप्शन जो होगा वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक निम्नलिखित में से के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग
करता है, किसके लिए उपलब्ध करता है साथियों, दिया है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने या छात्रों को समझ के स्तर, तो छात्रों को क्या होना, शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री ये सब नहीं होगा साथियों, प्रभावित करने के लिए सही होगा। कुछ हद तक क्या होगा, जब हम एकाग्रचित करेंगे किसी बच्चे को, अगर एकाग्रचित करते हैं तो बच्चा क्या करेगा, अपना ध्यान जब लगाएगा, जब उसका ध्यान किसी विषय वस्तु में लगेगा तो ऑटोमेटिक जब उसको पढ़ेगा, उसको तर्क वितर्क करेगा, चिंतन करेगा, तो वो सीखना उसके लिए क्या होगा, रोचक माना जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोनों ऑप्शन सही साथियों, लेकिन सबसे हद तक पूछा है निम्नलिखित में शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री उपयोग करते हैं, तो एक बच्चे के क्या होता है, छात्रों को एकाग्रचित अर्थात क्या होता है, उनका ध्यान कंसंट्रेट करने के लिए बनाने के लिए किया जाता है साथियों, हमारा सी ऑप्शन जो होगा इसमें वही क्या। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है, छात्रों में श्रम मेहनत की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों में श्रम एवं मेहनत की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए दिया है मेहनत करने वाले लोगों का उदाहरण देना चाहिए, ऑप्शन बी दिया है शिक्षक को मेहनत करके काम में लगने के लिए कहना चाहिए, सी दिया है मेहनत के महत्व पर विस्तृत व्याख्या देनी चाहिए, और डी दिया है छात्रों को प्राय मेहनत करने के मौके देने चाहिए। तो छात्रों में श्रम एवं मेहनत की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, उनको क्या कहेंगे, मेहनत करने वाले लोगों का उदाहरण देंगे, ऐसे लोगों का उदाहरण देंगे जो क्या करते हैं, मेहनत परिश्रम करते हैं साथियों, बाकी शिक्षक को काम में लगना चाहिए व्याख्यान ये सब गलत है साथियों। हमारा ऑप्शन ए जो दिया है मेहनत करने वाले लोगों का क्या होना चाहिए, ऐसे बच्चों को क्या उदाहरण देना चाहिए, ठीक है ऑप्शन कौन सा, ये हमारा ए जो दिया वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। किसी हिल स्टेशन के पास क्या होता है, हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान आपका एक छात्र एक वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो ऐसे में आप एक शिक्षक होने के नाते आप क्या व्यवहार करेंगे, क्या उससे करेंगे। ऑप्शन ए दिया उसकी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल से आते हैं, ये सब बातें क्या होती है, तो ऐसे गलत हो गया। बी दिया है उस महिला से बहस करेंगे और उससे पुलिस बुलाने के लिए कहेंगे, ये सब नहीं करना है। अपने छात्रों को उस वृद्ध महिला से माफी मांगने के लिए कहेंगे, चलिए आगे देखते हैं, ये हद तक सही है। सभी छात्रों के लिए तुरंत उस जगह से दूर जाएंगे, ये सब गलत है। इस परिपेक्ष में हमारा जो उत्तर होगा साथियों ये क्या होगा, उस अपने छात्रों से उस महिला से क्या कहेंगे, अपने छात्र को उस महिला से माफी मांगने के लिए कहेंगे आप, हमारा जो सी ऑप्शन होगा यही क्या होगा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऐसे में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यदि बुलाए जाने पर छात्र के माता पिता नहीं आते हैं, अभिभावक के बुलाने पर आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में उनसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया माता पिता अभिभावक को पत्र लिखना चाहिए, बी दिया है साथियों जाकर उनसे मिलना चाहिए, सी हमारा ऑप्शन क्या दिया है, सी ऑप्शन दिया वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, और डी दिया है वैसे छात्रों को अनदेखा शुरू कर देना चाहिए। तो क्या इस परिप्रेक्ष्य में कौन सी बातें आपकी सही होंगी, तो अनदेखा नहीं करना साथियों, दंड तो अपराध ये सब चीजें क्या होती नकारात्मक होती है, जाकर उनसे मिलना नहीं होगा, बल्कि क्या होगा अगर नहीं आ रहा तो माता पिता को आप क्या करेंगे, अभिभावक को आप क्या करेंगे, उनको एक पत्र लिखेंगे, क्या करेंगे एक पत्र लिखकर उनको उस बारे में बताएंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा, यदि बुलाए जाने पर कुछ माता पिता या अभिभावक के शिक्षक क्या होते नहीं आते हैं, तो हमारा कौन सा होगा, माता पिता या अभिभावक को क्या करेंगे, पत्र लिखना चाहिए, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या करना चाहिए। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों से क्या करना चाहिए साथियों, ऑप्शन ए दिया निरुत्साहित किया जाना चाहिए, क्या निरुत्साहित किया जाना चाहिए, बी दिया है अनदेखा किया जाना चाहिए, सी दिया है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समूह और सहभागिता में छात्रों को सीखने के लिए क्या किया चाहिए, हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा निरुत्साहित ये सब कैसे वर्ड है आपके, नकारात्मक वर्ड है। हमारा जो सी ऑप्शन दिया है ऐसे बच्चों को हम क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप इस चीज को कर सकते हैं, इस चीज को सीख सकते हैं, ऐसे हमें उन्हें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, आजकल शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को कंप्यूटर पर काम करना आवश्यक नहीं है, बी दिया है को कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, सी दिया है कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं, और डी दिया है को कंप्यूटर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती। किसके बारे में कहा है, आजकल के जो हमारे
बच्चे और शिक्षक और विद्यार्थी दोनों हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए? को कंप्यूटर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती, ये सब बातें गलत है साथियों। क्या होता है कंप्यूटर की जानकारी, बल्कि क्या होते हैं कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं, क्योंकि जब से हमारा COVID-19 आया ऐसे में क्या हुई हमारी जो परीक्षाएं हो रही, काफी परीक्षाएं क्या हुई बीच में हमारी ऑनलाइन परीक्षाएं ऑनलाइन आया, ऐसे में क्या हुआ हमारे शिक्षक और छात्र दोनों क्या वो कंप्यूटर को क्या उसमें साक्षर हुए और उनको काफी अच्छी नॉलेज हुई। हमारा जो सी ऑप्शन दिया यही क्या होगा इसमें सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, किस रूप में? बंटित रूप में, समूहित रूप में, अंतरालित रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना क्या माना जाता है? वो बंटित नहीं होता, अंतरालित, अंतराल मतलब अंतराल, अंतर अंतर पे सीखना मतलब, उसमें इनमें से कोई नहीं, बल्कि क्या होता है समूहित होता है, मतलब समूहित चीजें इसमें क्या होती है समूहित रूप से क्या करते हैं हम उसको पढ़ना जाना चाहिए समूहित रूप से। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा जो बी ऑप्शन दिया यही क्या होगा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है पाठचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है, पाठचर्या निर्माण का कार्य क्या माना जाता है? ऑप्शन ए दिया है एक नियमित कार्य, बी दिया है एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, सी दिया है एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य, और डी दिया है एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो पाठचर्या निर्माण का क्या कार्य माना जाना चाहिए? एक नियमित कार्य, ये बात नहीं एक विशेषज्ञ कार्य नहीं, ये भी नहीं एक महत्व, बल्कि उसको क्या माना चाहिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विशेषता वाला कार्य माना जाना चाहिए। हमारी पाठ्य पाठ जो पाठचर्या होती है उसको क्या माना चाहिए? एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य हमको माना जाना चाहिए। हमारा जो सी ऑप्शन दिया है यही क्या होगा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा क्या दिया है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, क्या एकांत में की जानी चाहिए, क्या अलग से की जानी चाहिए, क्या लोगों के बीच की जानी चाहिए, क्या व्यक्तिगत रूप से की जानी चाहिए? तो एक विद्यार्थी की प्रशंसा एक शिक्षक होने के नाते आप किस रूप में करेंगे, क्या एकांत में करेंगे? बिल्कुल एकांत में नहीं करना है, अलग से करेंगे, अलग से भी हमको नहीं करना है, ना व्यक्तिगत रूप से पर्सनली हम किसी को जाकर उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे लोगों के बीच में, लोगों के बीच में क्या करेंगे उसकी प्रशंसा करेंगे। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, विद्यार्थियों की सामूहिक सक्रियता ने निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा है साथियों? ऑप्शन ए हमारा दिया है विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं, बी दिया है विद्यार्थी अच्छे या बुरे में अंतर करने पाने में अक्षम होते हैं, और सी दिया है विद्यार्थी अधीर और संवेदनशील होते हैं, और डी दिया है क्या साथियों उपयुक्त सभी, डी हमारा क्या दिया उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होता है विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं, ये बातें सही होती साथियों, इसके बाद अक्षम होते ये भी सही है, संवेदनशील होते ये भी सही, बल्कि हमारा जो ऑप्शन क्या दिया डी जो ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी जो हमारा ऑप्शन दिया है यही क्या होगा साथियों इसमें हमारा उपयुक्त जो उपयुक्त ऑप्शन दिया यही क्या होगा इसमें सही होगा। तो विद्यार्थी की समूह चक्र निपटने उनके बारे में क्या पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो सभी कथन इसमें क्या होते सही नहीं होते हैं, ऑप्शन डी हमारा जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके किसी योग्यता या गुण किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिससे किसी व्यक्ति की योग्यता गुणता के लिए किसी व्यक्ति का तो प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है साथियों? ऐसे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए दिया है ग्रेड, बी दिया है अंक, सी दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं बात ही नहीं होती साथियों, उनको क्या होता है ग्रेड भी प्रदान किए जाते हैं और अंकों में भी बांटा जाता है, अंक प्रदान किए जाते हैं इस, ऐसे हमारा सी ऑप्शन ए और बी दोनों दिया यही क्या होगा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है, स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र क्या होता है साथियों? ऑप्शन ए दिया है अल्प मूल्य, बी दिया है थोड़े महत्व, सी दिया है ज्यादा मूल्य नहीं, और डी दिया है विचारणी यथेष्ट मूल्य। तो स्कूल पुस्तकालय क्या होना चाहिए साथियों? उसमें दिया अल्प मूल्य होना चाहिए, थोड़े महत्व होने चाहिए, ज्यादा मूल्य होना चाहिए, या विचारणी यथेष्ट मूल्य होने चाहिए। तो ये अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज्यादा मूल्य नहीं, बल्कि उनको क्या करना है विचारणी और यथेष्ट मूल्य का होना चाहिए स्कूल की पुस्तकालय को। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा डी ऑप्शन दिया है क्या होगा इसमें सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है,
अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का क्या होता है हिस्सा, जो दृश्य और श्रव्य माध्यमों से कितना ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है 60%, बी दिया है 85%, सी दिया है 50% और डी दिया है 95%। तो इसमें क्या होता है, श्रव्य और दृश्य सामग्री जो हमारे अनुसंधान से पता चलता है ये कितने परसेंट पता है, ये पता चलता है आपका 95% तक इसमें पता चलता है। ठीक है, हम किसका प्रयोग करें, दृश्य और सहायक सामग्री का, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके हम कोई भी चीजों को अंगों के द्वारा ग्रहण किया था इसको सीख रहे हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर क्या है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर क्या है, क्या वह उपेक्षा है, क्या अनभिज्ञता है, क्या अप्रेरणा है, क्या निरुत्साहन है। तो निरुत्साहन ऐसे भी आपका ये क्या होगा, कट गया, अनभिज्ञता भी कट गया, उपेक्षा नहीं करनी बल्कि उसको अप्रेरणा अप्रेरित करना है, हमको क्या करना है, अभी प्रेरित करना है। अनुसंधान से पता चलता है कि अप्रेरिता हमारा प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चल है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण चर माना जाता है, क्योंकि बच्चे के सीखने में अप्रेरणा बहुत ही जरूरी होती है। साथियों हमारा जो सी ऑप्शन होता है क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ग कक्षा माहौल परिवेश में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के लिए शिक्षक के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या बताता है। वर्ग कक्षा माहौल परिवेश में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के लिए शिक्षक के अधिकार को निश्चयात्मक अनुसंधान क्या बताता। साथियों ऑप्शन दिया है बढ़ावा नहीं देता है, बी दिया है बढ़ावा देता है, सी दिया है से कुछ लेना देना नहीं होता है, डी दिया है की जरूरत नहीं होती। तो की जरूरत नहीं होती, कुछ लेना देना नहीं होता, बढ़ावा नहीं देता, ये सब बातें गलत होती है। बल्कि इसमें क्या होता है कि वर्ग कक्षा का उच्च माहौल में सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के लिए शिक्षा के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन को क्या करता हुआ, बढ़ावा देता है। तो ऐसे में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा जो बी ऑप्शन दिया है यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए आज का हम लास्ट प्रश्न हमारा देखते हैं, हम क्या दिया हुआ है हम उसको देख लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न हमारा दिया है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश या बाध्य किया जाता है, तो उसकी क्षमता प्राथमिकता क्या होती है। साथियों ऐसे में क्या चीजें देखते हैं, दिया ऑप्शन ए दिया है कई गुना बढ़ती है, बी दिया है घटती है, सी दिया अंशतः बढ़ती, डी दिया अप्रभावित रहती है। तो जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए क्या होता है, बाधा पहुंचाया जाता है, तो ऐसे में उसकी क्षमता क्या प्रभाव पड़ता है, वह क्या होती है साथियों, वह हमेशा क्या होती है, घटने लगती है। जब प्रभावकारी जो हमारे अधिगम रहेंगे वो क्या रहेंगे, प्राधिकारी हावी जब रहेंगे तो क्या होगा, ऐसे में सीखना बाध्य होता है और वो क्या होती है, उसकी संख्या क्या होती है, घटने लगती है। तो ये थे साथियों हमारे 40 प्रश्न, जो अभी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए आपके प्रश्न हैं उस चीजों को हमने लोग देखा। तो आप क्या करें, पहले तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथियों क्या करना है, आपको शेयर करना है। जो भी हमारे भाई बहनों तक ये कक्षाएं नहीं पहुंच रही हैं, आप क्या करें, जमकर शेयर करिए साथियों, ठीक है। सबसे ज्यादा क्लास को आप क्या करें, शेयर करिए, शेयर करते रहिए आप लोग, क्योंकि आपकी थोड़ी सी मेहनत से हमको क्या होती है, दोगुनी ऊर्जा प्राप्त होती है साथियों। तो आप लोग एकदम लगे रहिए, और ठीक है शेयर करना ना भूलें, फिर से कह रहे हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।